साथ मैं वो बुजुर्ग मौजूद हूँ। अभी बताएं कि वजीराबाद में पंचायत को फैसला करना महंगा पड़ गया, खिलाफ फैसला करने पर मुखालिफ ने फायरिंग करके पंचायती स्कूल कत्ल कर दिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नैयर आलम से। नैयर आलम बताएगा इतना अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है, क्या तफसील है इसकी? जी, वजीराबाद के इलाका खीवे वाली में कुछ अर्सा कबल जो है वो जिशान और हैदर दो भाई हैं, इनको जफर नामी एजेंट ने सोदिया पैसे लेकर भिजवाया था। तो उधर जो है वो जाकर इन्होंने कामा वगैरह भी लगवा दिया और मुलाजमत करने लगे। कुछ अर्सा रहने के बाद ये दोनों भाई जो हैं ये अपने गाँव वापस आ गए हैं और आकर इन्होंने जफर एजेंट से जो है वो रकम की वापसी का मुतालबा किया कि आपने हमें भिजवाया है और हमें हमारी मर्जी के मुताबिक वहाँ पर जाब नहीं मिली। तो ये लेन देन का तनाजा जो है वो गाँव में शिद्दत इख्तियार कर गया। तो बाद में ये गाँव वालों ने फैसला किया कि इस मामले को पंचायत में लेके जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ के मकामी टीचर मनीर अहमद को पंचायत का सरपंच मुकर्रर किया और दो तीन और लोग जो है ये पंचायत में मुकर्रर हुए ताकि उन दोनों फरीकैन का जो है वो अच्छे तरीके से फैसला किया जा सके। लेकिन जो है ये जब मेरिट पर फैसला हुआ तो जिशान और हैदर के खिलाफ फैसला आया, तो इनको राजस्थान के पंचायत ने इनके खिलाफ फैसला क्यों किया? और बाद में जो है वो मनीर अहमद जो के करीबी गाँव कठोर कला में स्कूल टीचर भी थे, तो जब ये आज सुबह घर से बाहर निकले हैं तो घात लगाकर बैठे हुए थे तो मुलजमान ने फायरिंग करके जो है वो हलाक कर दिया है। जो फायर लगते ही जो है वो मनीर अहमद जो स्कूल टीचर है मौका पर ही उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए।